नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, कहानियाँ जिसमें लिखते हैं हम खुद को। मैं रीता मिश्रा तिवारी और आज आप सबके समक्ष लेकर आई हूँ मशहूर कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लिखी कहानी, जिसका शीर्षक है अभागी का स्वर्ग। 7 दिनों तक ज्वरग्रस्त रहने के बाद ठाकुरदास मुखर्जी की वृद्धा पत्नी की मृत्यु हो गई। मुखोपाध्याय महाशय अपने धान के व्यापार से काफी समृद्ध थे। उन्हें 4 पुत्र 4 पुत्रियां और पुत्र पुत्रियों के भी बच्चे, दामाद, पड़ोसियों का समूह नौकर चाकर थे। मानो यहाँ कोई उत्सव हो रहा था। धूमधाम से निकलने वाली शव यात्रा को देखने के लिए गांव वालों की भीड़ उमड़ी पड़ी थी। लड़कियों ने रोते रोते माता के दोनों पांव में गहरा आलता और मस्तक पर बहुत सा सिंदूर लगा दिया। बहुओं ने ललाट पर चंदन लगाकर बहुमूल्य वस्त्रों से सास की देह को ढक दिया और अपने आंचल के कोने से उनकी पद धूलि झाड़ दी। पत्र, पुष्प, गंध, माला और कलरव से मन को यह लगा कि नहीं, यहाँ कोई शोक की घटना हुई है। ऐसा लगा जैसे बड़े घर की गृहिणी 50 वर्षों बाद पुनः एक बार नई तरह से अपने पति के घर जा रही हो। शांत मुख से वृद्ध मुखोपाध्याय अपनी चीर संगनी की अंतिम विदा देकर छिपे छिपे दोनों आंखों के आंसू पोंछकर शोकार्त कन्या और बहुओं को सांत्वना देने लगे। प्रबल हरि ध्वनि, राम नाम सत्य है से प्रातःकालीन आकाश को गुंजित कर सारा गांव साथ साथ चल दिया। एक दूसरा प्राणी भी थोड़ी दूर से इस दल का साथी बन गया। वह थी कंगाली की माँ। वह अपनी झोपड़ी के आंगन में पैदा हुए बैंगन तोड़कर इस रास्ते से हाट जा रही थी। इस दृश्य को देखकर उसके पग हाट की ओर नहीं बढ़े। उसका हाट जाना रुक गया और उसके आंचल में बैंगन बंधे रह गए। आंखों से आंसू बहाती वह सबसे पीछे शमशान में आ उपस्थित हुई। शमशान गांव के एकांत कोने में गड़ूर नदी के तट पर था। वहां पहले से ही लकड़ियों का ढेर, चंदन के टुकड़े, घी, धूप, धूनी आदि उपकरण एकत्र कर दिए गए थे। कंगाली की मां को निकट जाने का साहस नहीं हुआ, अतः वह एक ऊंचे टीले पर जाकर खड़ी होकर शुरू से अंत तक सारी अंत्येष्टि क्रिया को उत्सुक नेत्रों से देखने लगी। चौड़ी और बड़ी चिता पर जब शव रखा गया, उस समय शव के दोनों रंगे हुए पांव देखकर उसके दोनों नेत्र शीतल हो गए। उसकी इच्छा होने लगी कि दौड़कर मृतक के पांव से एक बूंद आलता लेकर वह अपने मस्तक पर लगा ले। अनेक कंठों की हरि ध्वनि के साथ पुत्र के हाथों में जब मंत्र पुत अग्नि जलाई गई, उस समय उसके नेत्रों से झरझर पानी बरसने लगा। वह मन ही मन बारंबार कहने लगी, सौभाग्यवती माँ, तुम स्वर्ग जा रही हो, मुझे भी आशीर्वाद देती जाओ कि मैं भी इसी तरह कंगाली के हाथों अग्नि प्राप्त करूं। लड़के के हाथ की अग्नि, यह कोई असाधारण बात नहीं थी। पति, पुत्र, कन्या, नाती, नातिन, दास, दासी, परिजन, संपूर्ण गृहस्थी को उज्जवल करते हुए वह स्वर्गारोहण देखकर उसकी छाती फूलने लगी, जैसे इस सौभाग्य की वह फिर गणना ही नहीं कर सकी। सद प्रज्वलित चिता का अजस्र धुआं नीले रंग की छाया फेंकता हुआ घूम घूम कर आकाश में उठ रहा था। कंगाली की मां को उसके बीच एक छोटे से रथ की आकृति जैसे स्पष्ट दिखाई दे गई। उस रथ के चारों ओर कितने ही चित्र अंकित थे। उसके शिखर पर बहुत से लता पत्र जड़े हुए थे। भीतर जैसे कोई बैठा हुआ था। उसका मुंह पहचान में नहीं आता, परंतु उसकी मांग में सिंदूर की रेखा थी और दोनों पददल आलता से रंगे हुए थे।
ऊपर देखती हुई कंगाली की मां की दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। इसी बीच एक 15-16 साल वर्ष के उम्र का बालक ने उसके आंचल को खींचते हुए कहा, तू यहां आकर खड़ी है? मां भात नहीं रांधेगी? चौंकते हुए पीछे मुड़कर मां ने कहा, रांधूंगी रे। अचानक ऊपर की ओर उंगली उठाकर व्यग्र स्वर में कहा, देख देख बेटा, ब्रह्मानी मां उस रथ पर चढ़कर स्वर्ग जा रही है। लड़के ने आश्चर्य से मुंह उठाकर कहा, कहां? फिर क्षण भर निरीक्षण करने के बाद बोला, तू पागल हो गई है मां, वहां तो धुआं है और वो धुआं ही है। फिर गुस्सा होकर बोला, दोपहर का समय हो गया है, मुझे भूख नहीं लगती क्या? पर मां की आंखों में आंसू देखकर बोला, ब्राह्मणों की बहू मर गई है तो क्या, तू क्यों रो रही है? कंगाली की मां को अब होश आया। दूसरे के लिए शमशान में खड़े होकर इस प्रकार आंसू बहाने पर वह मन ही मन लज्जित हो उठी। यही नहीं, बालक के अकल्याण की आशंका से तुरंत ही आंखें पोंछकर तनिक सावधान संयत होकर बोली, रोऊंगी किसके लिए रे, आंखों में धुआं लग गया यही तो। हाँ हाँ, धुआं लग ही गया था, तू रो रही थी। मां ने और प्रतिवाद नहीं किया, लड़के का हाथ पकड़कर घाट पर पहुंची, स्वयं भी स्नान किया और कंगाली को भी स्नान कराकर घर लौट आई। शमशान पर होने वाले संस्कार के अंतिम भाग को देखकर उसके भाग्य में नहीं बदा था। ये कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी रीता मिश्रा तिवारी जी से मशहूर कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी कहानी अभागी का स्वर्ग। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।